हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वेलो क्लासेस। गाइस, आज हम प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है 8th क्लास के लिए, उसका करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, द फ्रेज एंड द क्लोज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेज क्या होती है, तो मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको क्लोज अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लोज क्या होता है। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ फ्रेजेस भी करी थी उस वीडियो में, और ये एक एक्सरसाइज भी हमने करी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द क्लोज। देखिए, देखते हैं कि ये टॉपिक जो है फ्रेज से कैसे अलग होता है। अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैड अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट फॉर्मिंग अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, जैसे फ्रेज होता है ना, फ्रेज क्या होता है कि उसकी एक कंप्लीट सेंस नहीं बनती है, लेकिन क्लोज एक ऐसी चीज है। लाइक जैसे यहाँ पर एग्जांपल की आप देखिए, स्मिता सिंग्स अ सॉन्ग एंड रविता स्वीप्स द फ्लोर। तो अगर सिर्फ इतना इतना भी मैं उठाऊँ, ये इधर इधर वाला स्मिता सिंग्स अ सॉन्ग, तो देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ये सब्जेक्ट है, ये वाली वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और इसकी एक कंप्लीट सेंस भी बनती है। सिर्फ इतने ही इसकी स्मिता सिंह सा सॉन्ग, इसकी कंप्लीट सेंस बनती है। लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता। फ्रेज जस्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसकी कुछ सेंस बनती है, जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होती है, ना ऑब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट होता है, तो वो तो हो जाती है फ्रेज। और कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि पूरा सेंटेंस भी खुद हो सकता है या सेंटेंस का एक पार्ट। जैसे ये हमने पूरा सेंटेंस तो ये था, स्मिता सिंग्स अ सॉन्ग एंड रविता स्वीप्स द फ्लोर, लेकिन इसका एक पार्ट, सेंटेंस का एक पार्ट जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है और उसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, वो क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। तो ये फ्रेज से ब्रॉड कंसेप्ट है, लंबा चौड़ा कंसेप्ट है। यहाँ पे कुछ ये एग्जाम्पल दिया था, फिर इसके बाद जैसे ये वाला पार्ट भी आप उठा करके देख सकते हैं, रविता स्वीप्स द फ्लोर। इसमें रविता सब्जेक्ट हो जाएगा, स्वीप्स इसकी वर्ब है, फ्लोर इसका ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह सकते हैं। तो ये जो है, अगर हम इसको अलग से भी उठा करके देखते हैं तो भी इसकी कंप्लीट सेंस बनती है कि रविता जो है वो फ्लोर को स्वीप करती है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी है और इसकी कंप्लीट सेंस भी बनती है, तो ये क्या हो जाएगी? एक क्लोज हो जाएगी। अब क्लोज के भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी क्लोज होती हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उनकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती, वो आने वाले कुछ एक दो मिनट में हम करेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स गिवन है, उससे पहले ये भी हम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन वही है इसका, उसके बाद इसके टाइप्स भी हैं वो भी देखेंगे। ये देखिए, द स्टूडेंट्स लाफ्ड एट द जोक, जो ये लिखे हैं ब्लू कलर से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनको आप अलग से पढ़िए। द स्टूडेंट्स लाफ्ड, तो इसकी कंप्लीट सेंस बनती है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हर एक क्लोज में यूं है, हर एक इवन कुछ जो है सेंटेंसेस भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। बेसिकली वर्ब और सब्जेक्ट होनी जरूरी है, या कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट भी नहीं होता, सिर्फ वर्ब होती है और उसकी भी कंप्लीट सेंस बनती है, तो वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ये देखते हैं। ऑल द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच केम लेट। ये देखिए, ये जो है इसकी सेंस बनती है, हु आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। ऐसे ही यहां पर एग्जाम्पल गिवन है। अब हम करते हैं मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। देखिए, मेन क्लोज क्या होती है? अ मेन क्लोज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। मेन क्लोज वो होती है जो कि एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करती है, यानी कि कंप्लीट जो होती है उसकी सेंस बनती है, मीनिंगफुल होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ लोगे और आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा या आपको आधा अधूरा कुछ ऐसा फील होगा, एक उसकी कंप्लीट सेंस बनती है। और इसको पूरे को हम एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस वही चीज होती है जिसकी एक कंप्लीट सेंस बनती है। उसके बाद आती है सबऑर्डिनेट क्लोज। अ सबऑर्डिनेट क्लोज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन द अनदर क्लोज। देखिए, होती तो ये भी एक क्लोज ही है सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन इसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती कई बार।
और अगर कभी बन भी जाती है तो वो क्या बन जाती है, फिर वो मेन क्लोज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, सबऑर्डिनेट क्लोज को आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एक सेंटेंस, अलग से सेंटेंस नहीं बना करके लिख सकते हम, ये अलग से एक सेंटेंस नहीं होता, ये एक क्लोज का भी एक डिपेंडेंट पार्ट होता है जो कि मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। आई विल वेट टिल ही कम्स, इसमें देखिए कौन कौन सी क्लोज है, एक तो है आई विल वेट और दूसरी है टिल ही कम्स। इसमें क्या होगा, ये जो आई विल वेट है ये मेन क्लोज है और टिल ही कम्स जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज ज्यादातर इंट्रोड्यूस करी जाती है, व्हेन, आफ्टर, टिल, अनटिल, वेदर, हु, आपको ये याद रखने की बेसिकली जरूरत नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं है, बस 2-3-4 बार ही पढ़ लेना है जिससे कि आपको याद हो जाए और ये समझ में आ जाए, रटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कि आप रटते रटते परेशान हो जाओगे और फिर भी उतने रह जाएंगे जितने आप रट चुके हो, तो ये दिक्कत है, इसको थोड़ा सा आप टैकल करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, ठीक है। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस सेंटेंस को पढ़ना और उसकी मतलब हिंदी भी नहीं, एक उसकी जो वो एक्सप्रेस जो वो चीज करना चाह रहा है, जो वो उसकी जो एक फीलिंग होती है सेंटेंस की, वो आपने कैच करनी है। उसके बाद अभी अभी भी जिसको नहीं समझ में आया ना कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, उसके लिए दूसरे एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। दे आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट, तो दे आस्क्ड जो था ये एक मेन क्लोज है और व्हाई आई वाज लेट जो था ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्या है ये, सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये ऐसी क्लोज है जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती, या फिर आप यू कह सकते हैं कि ये व्हाई आई वाज लेट जो है किसके ऊपर डिपेंड है, दे आस्क्ड के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही टिल ही कम्स, टिल ही कम्स किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो मेन क्लोज है ना आई विल वेट, इसके ऊपर है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आगे देखते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फ्रेज क्लोज और सेंटेंस है यहाँ पर गिवन है। ये थोड़ा इसने टेक्निकल लैंग्वेज में बताया है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि फ्रेज जो होता है वो उसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती है, ना तो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, ना उसके अंदर वर्ब होता है, और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड क्लोज क्या होता है, इसकी सेंस तो बनती है, इसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्लोज की कंप्लीट सेंस ही बने, हर क्लोज की जरूरी नहीं है कि उसकी कंप्लीट सेंस बने। और लास्ट में जो सेंटेंस आता है, सेंटेंस का ही पार्ट है क्लोज और सेंटेंस का ही पार्ट है फ्रेज। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो चीज होती है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके कंप्लीट सेंस बनती है। डजेंट मैटर कि उसके अंदर वर्ब है नहीं है, वैसे वर्ब होगी ही होगी सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट भी 99.9 केसेस में आपको मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी आपको मिल ही जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी सेंस बनेगी ही बनेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो होगा ही, उसके साथ साथ इसकी जो है सेंस भी बनेगी। तो ये बेसिकली फ्रेज क्लोज और सेंटेंस का डिफरेंस था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी 2-3 बार आप इसको खुद से भी पढ़ना तो जिंदगी में आप कभी भूलोगे भी नहीं। देखिए क्लोज करते हैं, क्लोज में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्लोज दो तरीके की होती है, एक तो मेन क्लोज होती है जिसको प्रिंसिपल क्लोज बोला जाता है, दूसरी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज के ही 3 पार्ट कौन से हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। और इसमें हम सबसे पहले करेंगे नाउन क्लोज। देखिए मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लेना इसको, वेरी इजी है। देखिए नाउन क्लोज क्या होती है, अ डिपेंडेंट क्लोज। देखिए सबसे पहला वर्ड है, इसको बहुत ध्यान रखना है, ये कैसी क्लोज होती है, डिपेंडेंट क्लोज होती है, यानी कि कैसी क्लोज होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि मेन नहीं होती है, मेन की क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, यानी कि खुद की इसकी जरूरी नहीं है कि सेंस बने या ना बने। हालांकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेंस बनाए या ना बनाए। और अगर वो सेंस अगर बना भी रही होगी ना, तो वो डिपेंड होगी किस पे, मेन क्लोज पे। जैसे यहां पर गिवन है आई नो हिज विश, इसमें हिज विश जो है, इसमें देखो ये फ्रेज है, क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है सबसे बड़ी बात। और इसी को अगर हमने यू लिख दिया, इसी को हमने यू लिख दिया कि आई नो वट ही वॉन्ट्स, तो अब इसमें सब्जेक्ट भी आ जाता है और एक वर्ब भी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन हालांकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो है और ये क्लोज भी है, लेकिन ये आप मेरे को बता सकते हैं कि डिपेंडेंट है
या फिर ये मेन है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है किस पे, इस वाली मेन क्लोज पे, ये है मेन क्लोज। इसके बिना, मेन क्लोज के बिना इसका काम नहीं चलेगा, मतलब इसको पढ़े बिना हम इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ सकते। तो ये होती है सबऑर्डिनेट क्लोज का और मेन क्लोज का कंसेप्ट। और इसमें हालांकि हमको पढ़ना है कि नाउन क्लोज क्या होती है। देखिए, नाउन क्लोज बेसिकली वो होती है जो क्या का आंसर देती है, क्या यानी कि व्हाट का जो आंसर देती है ना, और एक सेंटेंस में क्या होगी, वो एक नाउन का काम कर रही होगी, भले ही डिपेंडेंट है वो और नाउन का काम करेगी वो क्लोज, और उसकी कुछ सेंस बनेगी भी, पूरी नहीं बनेगी तो जरूरी बात है कि कुछ ना कुछ सेंस उसकी जरूर बनेगी, और उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जब आप अंडरलाइन करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो आप अपने आप से ये तीन क्वेश्चन जरूर पूछना। कि एक तो सबसे बड़ा बात मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो, आपने ये देखना है कि ये कैसी सेंस बना रही है, मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, और ये दूसरे के डिपेंडेंट भी है, तो वो क्लोज हो जाएगी कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लोज। और नाउन क्लोज को आप कैसे पहचानोगे, वो ऐसी क्लोज होगी जो किसका आंसर दे रही होगी, व्हाट का आंसर दे रही होगी। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, डोंट वरी, अभी देखना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स में। देखिए, वैसे तो नाउन क्लोज जो है ना, वो ज्यादातर इन कनेक्टर से स्टार्ट होती है, लाइक जैसे हु, व्हाट, व्हिच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, डेट, वेदर, इफ। इनके कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आई नो हु ही इज, आई नो व्हाट ही वांट्स। ये देखिए, जितनी भी आप ये पढ़ेंगे ना, ये सारी क्या है, नाउन क्लोज है। इनके अंदर जो मैंने आपको बताई थी एक नाउन क्लोज होने की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। देखिए, हु इज में देख लीजिए आप, सब्जेक्ट भी मिलता है हमको और वर्ब भी मिल जाती है इसके रूप में, और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं बनाता, या कंप्लीट सेंस को आप छोड़ दो, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आई नो के ऊपर डिपेंड है, तो ये नाउन का भी काम कर रहा है, तो ये कैसी हो जाती है, नाउन क्लोज हो जाती है। तो ये तीन चार क्वेश्चन आपने पूछने हैं, और अगर ये तीन चार क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप ज्यादा ही एडवांस चलना चाहते हैं, तो सिर्फ ये देख लीजिए कि कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और वो व्हाट का आंसर देता हो, लाइक जैसे आई नो हु इज, तो ये आंसर दे रहा है कि हु इज क्या है, बेसिकली ये व्हाट का आंसर देता है कि व्हाट ही इज, तो ये पूछता है कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में है हमारी। और आगे देखिए, जैसे इसमें तो सीधा व्हाट ही वॉन्ट्स ही, इस पे हालांकि इतना ज्यादा अप्लाई नहीं हुआ, पर फिर भी ये एक इनडायरेक्ट सेंस में व्हाट का ही आंसर देता है, ये तो सीधा सीधा ही व्हाट का आंसर देता है, वो क्या चाहता है। तो ये सारे जैसे डेट ही इज क्वाइट रिच, ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे डेट से है, कनेक्टर स्टार्ट है, ये भी आप वर्ड देख सकते हैं कनेक्टर्स के लिए। देखिए कितने सारे तरीके हैं, जोन सा भी आपको सुटेबल लगे, नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं, व्हाट से भी आप कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कनेक्टर्स हैं ये, एक बार ये याद नहीं रखने हैं कि आप याद रखने लग जाओ हु व्हाट व्हिच हुम हु व्हाट व्हिच हुम हुज, आप रटने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको दो तीन बारी पढ़ लेंगे ना, और एक दो बारी वीडियो को देख लेंगे, और चार पांच क्वेश्चन जब कर लेंगे, तो आपको खुद ही याद, मतलब ऐसा फील आएगा कि मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस पता है। और इंग्लिश करने का सही तरीका यही होता है, आप रूल्स याद रख के इंग्लिश को नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सारे रूल्स याद कर लूंगा, तो मैं आपको 1,00,000 रूल कल लिखवा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। यही सही तरीका है, आप इनको बस समझिए, रटिए नहीं, चाहे समझने के लिए आपको 4 बारी पढ़ना पड़े, 10 बारी पढ़ना पड़े, 20 बारी पढ़ना पड़े, लेकिन जब तक पढ़ते पढ़ते याद ना हो जाए, तब तक आपने इसको पढ़ना है बार बार, रटना नहीं है, बस समझने की कोशिश करनी है। देखिए मैंने अभी कितने सारे आपको तरीके बता दिए, उन सब से पता चल जाता है कि नाउन क्लोज है या वो नहीं है। अब ये जितने भी एग्जांपल्स गिवन है, मैं अगर आपको एक भी ना कराऊं, तो फिर भी आप ये सारे क्वेश्चंस में से 10 में से अभी के भी आप 5-6 तो बिल्कुल से बिल्कुल ठीक कर दोगे। पर फिर भी मैं आपको एक बारी फटाफट से बता देता हूं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बारी देख लेते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो क्लोज या जो नाउन जो क्लोज है वो हमेशा लास्ट में ही आए, वो एज अ सब्जेक्ट भी आएगी, आ सकती है, व्हाट ही सेज इज ट्रू, लाइक जैसे इसमें एज अ सब्जेक्ट का काम कर रही है, लेकिन फिर भी आप इसमें वही तरीका लगा करके देख सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात कनेक्टर से स्टार्ट हो रही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि व्हाट व्हिच हुम, ये इनसे जो स्टार्ट होती है वो क्या होती है, नाउन क्लोज होती है, और ऊपर से नाउन का काम भी कर रही है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और इज ट्रू के ऊपर ये डिपेंड भी है।
तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, जैसे हमने पीछे ये जो सारे थे ये ऑब्जेक्ट्स ही थे। कॉम्प्लीमेंट के कुछ इसने एग्जाम्पल दिए हैं, द प्रॉब्लम इज डैट, लेकिन इसमें भी देखो डैट से स्टार्ट हो रहा है ना, या यहाँ पे हाउ से स्टार्ट हो रहा है, या यहाँ पे फिर व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाई, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इफ, वेदर, डैट, ये सारे कनेक्टर्स हैं, ये नाउन क्लोज होने की आभास करवाते हैं हमको। और जरूरी नहीं है वैसे कि ये आपको दिख जाए तो आप सीधा नाउन क्लोज ही लगा देना, आप पढ़ देना, सेंस आपकी बन जाएगी, आपको इजीली पता चल जाएगा 3-4 बार ये जब आप पढ़ लोगे उसके बाद। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जरूरी नहीं है इतने, आप पढ़ लेना फिर भी। एज एन एडजेक्टिव भी हो सकता है ये, ही इज नॉट श्योर वेयर शी लिव्स, या फिर नाउन प्लस नाउन क्लोज भी हो सकता है, द रूमर डेट ही हैज गोन बैंकरप्ट, आप इसमें डेट से भी देख सकती है, देखिए ना सब में डेट 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 मिलेगा यहाँ पे, फिर वेदर है, डेट है, वेयर है, ऐसे ही होते हैं ये नाउन क्लोज, इनकी मेन आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही होती है। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस केस में जिसमें आपको पता नहीं लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको देखिए स्टार्ट करते हैं, मैं आप क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपने साथ साथ कैस करने हैं। एनसर्कल द नाउन क्लोजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, शी ऑफन वंडर्ड हाउ रवि कुड पास, देखिए देखते ही पता चल गया कनेक्टर हमको मिल गया हाउ रवि कुड पास, तो इसके बाद की जो क्या है वो नाउन क्लोज। और अगर आप इसको वैसे भी चेक करना चाहें मैं इसी में बता देता हूँ, देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें जो है वर्ब भी है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है, इसकी कुछ सेंस भी बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक तो ये कनेक्टर से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी बात ये डिपेंडेंट है किसके, इस वाली मेन क्लोज के, ऐसे ही सारी है। आई एम अफ्रेड डेट शी विल नेवर रिटर्न, डेट कहाँ है, यहाँ से ये आगे आगे क्या हो जाएगी, नाउन क्लोज हो जाएगी। इसमें एनसर्कल के लिए बोला है लेकिन मैं आपको अंडरलाइन नहीं करा देता हूँ, किचपिच हो जाती है। आई डोंट नो व्हेन, कनेक्टर कहाँ दिख रहा है, ये रहा कनेक्टर, इसके बाद क्या हो जाएगी, नाउन क्लोज हो जाएगी। आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये कुछ सेंस भी बना रही है, और ये इस क्लोज के ऊपर जो मेन क्लोज है आई डोंट नो के ऊपर ये डिपेंड भी करती है या सबऑर्डिनेट है इसकी। दे आर कॉन्फिडेंट डेट दे विल विन द मैच, देखिए कनेक्टर मिल गया हमको, डेट दे विल विन द मैच, कितना ईजी है, कितना ईजी है। देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट वट शी वॉन्ट्स टू डू, वट शी वॉन्ट्स टू डू, देखिए वट मिल गया हमको, द फैक्ट डेट ही हैज लेफ्ट द जॉब हैज बिन डिनाइड, देखिए इसमें हमको क्या मिल जाता है, डेट मिल जाता है, डेट ही हैज लेफ्ट द जॉब। तो देखिए वेरी ईजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। नेक्स्ट है वट ही वट शी सेज इज ट्रू, इसमें देखिए हमको स्टार्टिंग में ही वट मिल गया, तो जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे ना कि जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट ही हो, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे हमने इनमें देखा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी ये क्लोज आ सकती है, और सेंटेंस के लास्ट में भी। इसमें देखिए फिर से स्टार्टिंग में आ गई, देखिए देखते ही पता चलता है हाउ मिल जाता है हमको, हाउ ही विल, और इसके बाद नेक्स्ट है डेट आई हेट हिम इज नोन टू एवरीबडी, देखिए इसमें स्टार्टिंग में ही डेट मिल जाता है हमको कनेक्टर, और वैसे भी आप इसको दूसरे तरीके से भी पता लगा सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और डिपेंडेंसी के रूल से। हर विश इज डेड, हर सन शुड गो अब्रोड, तो देखिए इसमें क्या आ जाता है डेट हर सन। तो ये इसमें सॉरी ये भी थोड़ा इंक्लूड होगा शुड गो अब्रोड। तो आप देखिए इजीली पता लगा सकते हैं, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को 2-3 बार 4 बार पढ़े, रटना नहीं है, समझ के करना है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोज के थ्रू होमवर्क करने में आसानी मिल रही है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। क्लोज के ही कुछ आगे जो टॉपिक्स हैं लाइक जैसे एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, इन टॉपिक्स के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।